जाने क्यों आज दीपक की बहुत याद आ रही है। इस दिल का क्या करूं, वो अब भी उसी को चाहता है। ज़रा सोचो मत मानसा, सोचो। वो प्यारे भोलेनाथ जी, इनके लिए तो ये प्यार मोहब्बत चोहबत ये सब खेल है और कुछ नहीं है। हम तो बस इनकी हाथ की कठपुतली हैं, जैसे नचाते हैं नाचना पड़ता है। मैं तंग आ गया हूँ इस सबसे। पता नहीं किस गधे ने कहा है लव इज गॉड, नो नेवर। मैं बताता हूँ लव क्या है। लव इज नॉट गॉड, लव इज अ रॉड जो आपके दिल में घुस जाता है, उसे उसे जख्म देता है और धीरे 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 उसे नासूर बना देता है। नहीं चाहिए ऐसा प्यार, रखो अपना प्यार अपने पास। इस प्यार ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। और पता है बाबा, मैं चाहकर भी अपने इस प्यार का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। चुपता है मुझे प्यार। यहाँ कहते हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन मैं नहीं मानता। लवर्स आ गए, लव इज बुलशिट। मैं अपनी माँ की कसम खाते रहता हूँ, इस दुनिया में प्यार कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। झूठ है प्यार, झूठ। अरे बेटा, हम सब लोग अपना किस्मत लिखा के आते इधर। जो भगवान का मर्जी होएगा वो ही होएगा। अरे तू काय को भूल गया, वो भोलेनाथ ही तुम लोग को एक बार फिर से लाके इधर मिलाया। अभी सुन, भोलेनाथ के सामने मानसी का शुद्धि करने का और उसका हमेशा हमेशा के लिए हाथ पकड़ लेने का। हर हर महादेव। देखो प्लीज, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे उसे करने दो। प्लीज मना मत करो, प्लीज बैठ जाओ।
मानसी को कितना प्यार करता है रे। बिल्कुल बच्चे का मापक देखभाल करता है वो लड़की मानसी। तो लई किस्मत वाली है, बहुत गलत हुआ बेचारी के साथ। अब वो देख नहीं सकता, उसका हाथ तो नहीं छोड़ेगा ना तू? नहीं बाबा, मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मानसी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई। वो मुझे जिस भी हाल में मिले मुझे मंजूर है। मैंने एक देवी की तरह उसे अपने दिल में बसा लिया है। प्यार सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता है बाबा, वो तो मन से मन का रिश्ता होता है। मानसी के साथ जो भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं उसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी भी नहीं बाबा। मानसी को मैं खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानसी मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे। इस जन्म में तो क्या, मैं हर जन्म में उसे इतना ही प्यार करूंगा बाबा। तुमने सुना ना मानसी, वो लड़का माधव काय बोला? अगर वो लड़का तुमसे लई प्यार करता है, माधव तुम्हारी जिंदगी में उजाला लाएगा। जीवन भर तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं होने देगा। वो जो छोड़ के गया उसका नहीं, जो सामने है उसके बारे में सोचने का। मुझे तो पता ही नहीं चला मैं माधव को मन ही मन कितना चाहने लगी हूँ। आज उसे ये बात कह दूंगी। ओ भाई कांदा कैसे बेचता है तुम? 100 रुपया का 1 किलो। कांदा मांगा है, सोना नहीं मांग रहा है। सोने के भाव में कांदा बेचता है देखो। तो फिर कांदा क्यों लेने का, सोना जाके खरीदो। अरे देख, मेरे को ज्यादा भाव ताव करने को अच्छा नहीं लगता है। अभी जल्दी से सही भाव में मेरे को 2 किलो कांदा दो। लो। जानता नहीं मैं कौन हूँ। उधर किस बात का शोर मच रहा है? अरे भाऊ, वो गणेश भाऊ के घर में आदमी है, उसने किसी लड़की को उल्टा सीधा बोल दिया, उसका झगड़ा है। असका है, ज्यादा चूचा की ना तो यही गाड़ दूंगा, समझा ना। चलो अब हटो। मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। रुक रुक रुक, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन। मैं बताता हूँ। चल बक। उस दिन जिस दिन अपना पहला लफड़ा हुआ था ना, उस दिन मैं उस लड़की को पहली बार देखा। अपुन ने सोच लिया अपुन इसको छोड़ेगा नहीं, बस मौका ढूंढ रहा था। और किस्मत से वो अपुन को प्लेटफॉर्म में मिली। उस दिन अपुन और अपुन का दोस्त ट्रेन से कहीं जा रहा था, अमरपुर स्टेशन पर वो बैठी हुई दिखी। अपुन ने सोचा अच्छा चांस है। भाई चल निकल यहाँ से, पुलिस से बाहर। पुलिस की वजह से सारे प्लान पर पानी भर गया, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। मानसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मुझे ये बात मानसी को बतानी होगी। अब दीपक उसे जरूर अपना लेगा। अब मानसी की उजड़ी जिंदगी सवर जाएगी, उसकी खुशियां वापस लौट आएगी। मेरी बेटी को भगा के ले गया तू? आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मानसी। अब ये भी तेरे को बोलना पड़ेगा? इसकी एक भी हड्डी बची तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सर पहले मेरी बात सुन लीजिए।
समझ में नहीं आ रहा कि माधव से कैसे कहूं कि मैं उसे कितना चाहती हूं। अगर कुछ बोल ही नहीं पाई तो क्यों ना मैं एक चिट्ठी लिखूं? अपने दिल का हाल लफ्जों में बयान करना ही ठीक होगा, और ये चिट्ठी मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगी। मानसी, मानसी, माधव, मानसी तो नहीं है क्या? कहाँ चली गई मानसी? कोई आया था उसको लेने को, मैं पूछी पर वो कुछ बताई नहीं मेरे को, पर वो बात कर रहे थे, मैं सुनी। 4 बजे का गाड़ी है, स्टेशन जाने का है। स्टेशन जाना है? देखो ये लफंगा यहाँ भी आ गया। पहले गलत फहमी पैदा की, मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी इज्जत लूट गई। हम दोनों को अलग करने में इसी का हाथ है मानसी। इस पे भरोसा मत करना मानसी, बिल्कुल मत करना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दीपक? कितना दोगला इंसान है रे तू। अगर प्यार था तो इसका दिल जीत के दिखाता तब मानता। एक झूठ से तू हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने चला था। मेरी मानसी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है और ये मेरी होकर रहेगी। सुनकर हैरान हूं कि तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। जिस दिन से मैंने मानसी को घर से निकाला है, मुझे एक पल को चैन नहीं मिला। दर दर भटका हूं इसे ढूंढने के लिए, और देखो किस्मत ने एक दिन मुझे मानसी की सच्चाई से रूबरू कराया। अपना तो बैड लगेज खराब है साला। उस दिन अचानक से वो लड़की हाथ आई। कौन सी लड़की? मानसी, न्यूज में नाम बताया। साली को बिना कुछ किए ही छोड़ना पड़ा। तेरी तो किस्मत ही बकवास है। क्या करारा माल था, पर पुलिस की वजह से सब चौपट हो गया। अरे यार, निकल गई हाथ से सारी। वो तो अच्छा है, मुझे सच्चाई का पता चल गया। पर ना पता नहीं तुम मानसी के साथ क्या क्या करते। मानसी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मानसी, मुझे खुद इस बात का भी पता चला। मैं तो तुम दोनों को मिलाना चाहता था। मानसी, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मानसी, मेरी बात का विश्वास करो प्लीज। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैंने हमेशा तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है। हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए। मैंने कभी तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहा मानसी। अगर तुम मुझे ऐसे धुतकारोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दीपक, प्लीज झूठ मत बोलो। मानसी, मानसी प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मानसी, मानसी इस तरह रूठ कर मत जाओ। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया मानसी। मेरी बात का यकीन करो प्लीज। मानसी प्लीज मेरी बात सुन लो। ये लो, जाओ यहां से। मानसी मेरी बात सुनो। मानसी Mansi!
तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। जो खुदा दी है वो किसी और के जिंदगी को क्या रोशन करेगी। जिस आदमी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, हम दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाला, उस दीपक के साथ कैसे चली गई, यही सोच रहे हो ना? दीपक तो बस वहां से निकलने का एक बहाना था। मैं दीपक के साथ नहीं रहूंगी माधव, अब इस बदहाल जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ, पर तुमसे एक बात कहना भूल गई। आई लव यू माधव, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना।